आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको हार्ट वालों के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई बना रही हूँ। सावन में मिठाइयाँ हार्ट वाले नहीं खा पाते हैं, इसलिए आज मैं विशेष रूप से उनके लिए मिठाई बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने ब्रेड ले ली है, ये है मेरी ब्रेड, मैंने ब्रेड ले ली है। अब मैंने गैस भी चालू कर ली है, मैं अपने फ्राई पैन में ब्रेड को सेक रही हूँ। देखिए, हमें इसमें बिल्कुल भी तेल या घी का उपयोग नहीं करना है। हम अपनी सिम कम रखते हैं क्योंकि हमारी ब्रेड अच्छे से सिक जाए दोनों तरफ से। ये देखिए, मैंने इसमें अपनी ब्रेड रख दी है। और हम इसको इस तरह से दबाते हुए बड़े अच्छे से कड़क सेकते हैं जिससे कि यह अच्छी थोड़ी सी सिक जाए और कुछ दिनों के लिए हमारी ब्रेड अच्छे से चल जाए। इस तरह हम अपनी ब्रेड को सेक लेते हैं। अभी हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से सिकी नहीं है, इसको हमें बहुत ही अच्छा सेकना पड़ता है। थोड़ा सा इसका वो हो जाना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। ये देखिए, मेरी ब्रेड कितनी अच्छी सिक चुकी है। इस तरह ही हम अपनी जो है सारी ही ब्रेडों को सेक लेते हैं। आप आटा की ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने तो मैदा की ब्रेड ली है। ये देखिए, दोनों तरफ से कितनी भाइन सिक गई है हमारी ब्रेड। इस तरह हम अपनी सारी ब्रेड को सेक लेते हैं। ये मैंने अपना फ्राई पैन रख दिया है गैस पे, और हमें चिकनाई बिल्कुल नहीं देना चाहिए ना, हार्ट के मरीजों को हमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने एक दिन पहले दूध ले लिया था और इस दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो क्रीम निकला हुआ दूध भी बाज़ार से ले सकते हैं। मैंने फ्रिज में रख के इसकी सारी ही मलाई निकाल दी थी। अब मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें 2 गिलास दूध डाल दिया है और दूसरी तरफ तवा रखकर मैं अपनी ब्रेडों को सेक रही हूँ। ये मैंने 3 इलायची ले ली हैं जो मैं इनको हल्का हल्का कूट रही हूँ। इनको हम खोलकर और कूट कर ही डालते हैं। इस तरह से हम अपनी इलायची को खोलकर इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, मैं तो छिक्कल शहद ही डालती हूँ क्योंकि इसका जो है छिक्कल का स्वाद बड़ा ही अच्छा आ जाता है, उसके बाद निकाल देना चाहिए। मैं निकाल देती हूँ। ये मैंने इसमें 3 इलायची डाल दी हैं। इलायची से दूध का स्वाद बड़ा ही टेस्टी हो जाता है और हमारी बड़ी ही टेस्टी मिठाई बनती है। मैं अपनी दूसरी तरफ ब्रेड भी सेकती जा रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा गऊ छाप रंग जो कि बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने दूध में डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है और मैं अपने दूध में
उसको डाल रही हूँ। इसके डालने से बहुत ही सुंदर कलर आ जाता है। और मैं अपने दूध को चला देती हूँ। हमें अपने दूध को थोड़ा थोड़ा चलाते रहना चाहिए कि जिसमें वह आराम से हो जाए। ये देखिए, अब मैंने आधी माने कटोरी शक्कर ले ली है जो हम अपने दूध में डाल रहे हैं, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। हार्ट वालों के लिए घी ही बंद रहता है, शुगर वालों के लिए शुगर बंद रहती है। हार्ट के मरीजों को हमें बिल्कुल भी घी नहीं देना चाहिए, घी से उनको बहुत अधिक हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि अटैक आने का बहुत अधिक डर रहता है। ये देखिए, इस तरह मैंने अपनी सारी ही ब्रेडों को सेक लिया है। ये देखिए हमारा दूध कितना अच्छा खोल रहा है। आप रक्षाबंधन के दिन अपने परिवार में जिसको भी हार्ट की बीमारी हो, इस तरह से आप ब्रेड की तो मिठाई उसको खिला सकते हैं, क्योंकि हम ना तो खोवा दे सकते हैं और ना ही किसी तरह की उनको घी तेल का उपयोग वाली मिठाई दे सकते हैं। इसलिए हमारे भाई बहन जो हैं वो उस दिन मिठाई से ही वंचित रह जाते हैं। अब मेरा दूध खोल रहा है, इसलिए मैं इसमें जो है ब्रेड अपनी डाल रही हूँ। मैं ब्रेड डालती जाती हूँ और हमें ब्रेड को सिर्फ 2 ही मिनट के लिए पकाना है, जिसमें कि ब्रेड हमारे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाती है। देखिए, वाव, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और ये जो है कितना ही टेस्टी टेस्टी हो रहा है। आपको लगे कि शक्कर कम है तो आप शक्कर और डाल सकते हैं। वैसे शक्कर का उपयोग भी हमें कम ही करना चाहिए। इस तरह हम अपनी सारी ही ब्रेडों को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, वाह, बहुत ही जल्दी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ही हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, सारा ही दूध हमारी इस ब्रेड ने पी लिया है। और ये देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा जो है मीठा तैयार हो चुका है। अब हमको अपने मीठे में डालना है। ये देखिए, मैंने गरी का बुरादा ले लिया है तो मैं अपने गरी के बुरादे को इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे काजू हैं, इनको मैंने हमको नीचे से थोड़ा सा चलाते जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी ब्रेड नीचे लग जाए। ये देखिए, ये मैंने काजू ले लिए हैं जो इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये मेरे बादाम, मैंने बहुत महीन महीन बादाम काट लिए हैं। और ये है मेरी किशमिश। आप इसमें और भी मेवाएं डालिए और इसको बहुत अधिक पौष्टिक कर लीजिए। देखिए, मेरी बेहतरीन जो है मिठाई तैयार हो चुकी है। आप इसको एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रखिए और ठंडी ठंडी ही खिलाइए। ये देखिए, अब मैं इसको अपनी प्लेट में निकाल रही हूँ। वाओ, ये देखिए, अगर आप किसी को बताएंगे नहीं और इस तरह से आप
बनाकर उनको खिलाएंगे तो लोग बाग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये हमने कैसी मिठाई बनाई है और किस चीज़ की है। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी अधिक मात्रा में हमारी ब्रेड की मिठाई तैयार हो चुकी है। और आश्चर्य की बात ये है कि मैंने इसमें एक बूंद भी तेल का उपयोग नहीं किया है। अब हम सजाने के लिए इसमें डाल रहे हैं काजू और ये बादाम। आप इसमें बहुत सारी मेवा डालिए जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इस पर आप चांदी का वर्क चाहें तो आप इस पर लगाइए। और जो आपके जो लोग आपके यहाँ पर घी तेल नहीं खाते हैं उनके लिए बनाइए, उनको मिठाई से वंचित बिल्कुल मत रखिए। ये है रक्षाबंधन के लिए हार्ट वालों के लिए मिठाई बनाइए। धन्यवाद।